नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि लगभग घरों में लगा होता है और ज्यादातर लोग इसे एक औषधि पौधा मानते हैं। इसको मानते हैं कि इससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये काम आता है और ये सही भी है, ये काम भी आता है। आज इस पौधे की बात करने वाले हैं, ये है अजवाइन लीव्स प्लांट, इसको बोलते हैं। इसकी जो पत्तियां हैं उनकी महक बिल्कुल अजवाइन की तरीके होती है। जब भी कोई आप पत्ती इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल इसके बाद जब भी आप इसको यूज करेंगे, इसके बगल से गुजरेंगे तो बहुत तेजी से इसमें अजवाइन वाली जो स्मेल है वो आती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आपको इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे इसे लगाना है, कहाँ इसको आप लगाएंगे, कैसी मिट्टी की जरूरत होगी और क्या रियल पे ये अजवाइन है या नहीं है, ये भी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों हम बात करें अगर इस प्लांट की, तो ये जो प्लांट होता है ये मुख्यतः इसको सभी सामान्यतः ज्यादातर भारत में हर जगह पे इसको अजवाइन लीव्स प्लांट्स कहते हैं। इसके पीछे कारण होता है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल अजवाइन की तरीके महकती हैं, लेकिन रियल पे आपको बताएं तो ये अजवाइन प्लांट नहीं होता है। ये इसकी जो पत्तियां होती हैं उसकी जो स्मेल होती है, जो महक होती है, वो अजवाइन की तरीके होती है, लेकिन ये पौधा जो है वो अजवाइन का नहीं होता है। ये एक मिंट वैरायटी का पौधा होता है और इसे फायदेमंद बहुत ज्यादा है और इसकी जो लीव्स होती हैं बहुत ज्यादा इस तरीके से कह दें कि इसमें बहुत ज्यादा आप मोटी होती हैं और इसमें बहुत अच्छी महक भी आती है अजवाइन के तरीके। हम इसको इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेट दर्द जैसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें पेट दर्द के लिए लोग इसको स्पेशली इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसी कोई दिक्कत आ रही होती है तो ऐसे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अजवाइन का जो रियल पौधा होता है वो बिल्कुल धनिया के तरीके पौधा होता है और उसमें बिल्कुल धनिया की तरीके ही ऊपर की तरफ अजवाइंस निकलती हैं और वो छोटे छोटे दाने इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन इस पौधे को अजवाइन केवल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी महक होती है। इसका रियल जो नेम होता है वो होता है कर्पूरवल्ली। इसका रियल नेम कर्पूरवल्ली होता है और सामान्यतः ये जो पौधा है वो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा पाया जाता है। साउथ इंडिया पे हर एक घर के बाहर आपको ये पौधा मिल जाएगा, सभी के गमले पे पौधा लगा हुआ मिल जाएगा क्योंकि स्पेशली ये उधर ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। अब ये यूज कैसे होता है, वहां पे लोग बोलते हैं कि ये जो पौधा होता है ये बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, यानी कि इसकी जो स्पेशली जो स्पेशलिटी है वो है बच्चों के लिए है, बीमारियों में काम आता है, यानी कि जिन बच्चों को कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही होती है उनके लिए ये जो पौधा है बहुत फायदेमंद होता है। ज्यादातर अस्थमेटिक केसेस में जिन लोगों को खांसी वगैरह या घरघराहट की सीने में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सर्दियों में बहुत सीने में दर्द वगैरह बना रहता है या उनके खरखराहट बनी रहती है, तो ऐसे लिए बच्चों को ये सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इसकी पत्तियों को पेट दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पेट दर्द के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी पत्तियां, दो तीन पत्तियां तोड़ करके आसानी से आराम से चबाइए। चबाने के बाद उसको आप ले लीजिए, गटक लीजिए, आराम से बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा आप इसकी जो है चटनी बना करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी चटनी बना के इस्तेमाल करेंगे बहुत ही टेस्टी होती है और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करेगी। बहुत सारे लोग हैं कि इसको पकौड़ी बना करके भी इसकी खाते हैं, पकौड़ी बना के भी ये बहुत ही टेस्टी होता है। YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको ये बताया गया होगा कि अजवाइन लीव्स की पकौड़ी कैसे बनाएं। ज्यादातर लोग वैसे अगर आपको बताएं तो जो आप कहीं भी अगर पौधे खरीदने भी जाते हैं, अगर आप किसी नर्सरी वगैरह पर, तो ज्यादातर लोग इसको अजवाइन वाला पौधा ही बोलते हैं, लेकिन ये रियल पे अजवाइन पौधा नहीं होता। ये जो होता है ये है कर्पूरवल्ली का पौधा, ठीक है। लेकिन अब इसके औषधि उपयोग तो हैं, बहुत सारे उपयोग हैं। तो अगर हम बात कर लें कि इस पौधे को हमें किस तरीके से हम अपने घर पे लगा सकते हैं, क्या इसके बीज होते हैं या फिर कटिंग से लगेगा, तो आपको बताना चाहेंगे ये पौधा आप कटिंग से लगा सकते हैं। ऐसे इस तरीके की ये डाल है, यहाँ पे एक हार्डी डाल कोई भी एक देख लेंगे और उसको 3 से 4 इंच की डाल जो है उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको आप कहीं भी किसी भी मिट्टी पे लगा दीजिए। कोई बहुत फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं होती है, ना इसको बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी कंडीशन में, कैसी भी दशा में ये लगा रहता है और आप इसको बस लगा दीजिए, 3 से 4 दिनों में इसके अंदर आराम से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। इस पर आपको कोई प्रयोग करके देखने की जरूरत नहीं है। हम आपको एक चीज दिखा देते हैं। इसे पौधा नीचे रखा था, हमने उठा के अभी यहाँ पे इसको रखा है। इस पर ऊपर से कुछ डाल ये टूट करके नीचे की तरफ आ गई है, झुक करके नीचे की तरफ आ गई है। देखिए जब नीचे आई हैं तो जमीन के संपर्क में आके देखिए इसमें कितनी सारी रूट्स डेवलप हो गई हैं, ढेर सारी रूट्स। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जरा सी नमी पाकर इसमें ढेर सारी रूट्स डेवलप हो गई हैं। इसी तरीके से आप इसको बस इसकी डाल को तोड़ करके लगा देंगे, इसमें बहुत सारी रूट्स डेवलप हो जाएंगी। अब बात करें कि मिट्टी और कैसे क्या होना चाहिए। आप देखिए ये छोटा सा एक लोहे का डिब्बा है, पुराना, बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ। इस डिब्बे पे लगा हुआ है
मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, इसमें पानी भी नहीं है और बहुत ही बुरी कंडीशन पे है, नीचे से पूरा फट चुका है। लेकिन आप पौधा देख पा रहे हैं कितना सुंदर सा खूबसूरत सा लहरा रहा है। अगर ये किसी अच्छे से गमले पे लगा हो तो और भी ये जो है खूबसूरत लगेगा देखने पे, और इस पे जो है इसको आप अच्छे तरीके से अगर और डेवलप हो जाएगा और बड़ा सा हो जाएगा तो इस तरीके से आप इसको किसी भी मिट्टी पे कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं। आप इसमें कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर वगैरह कुछ खास समझने की जरूरत नहीं है। पौधा अगर हम बात करें धूप की बात करें तो ये पौधा धूप का पौधा है। आप इसको 2 से 3 घंटे की धूप आराम से मिलती रहेगी तो बहुत अच्छा डेवलप करता रहेगा। इसके अलावा धूप नहीं भी मिलेगी, रोशनी अच्छी खासी मिलती रहेगी, तब भी ये पौधा बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो इससे लोग बहुत ज़्यादा पकौड़ी बनाकर खाते हैं या चटनी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर पे लगा है तो इसकी महक ही बहुत अच्छी होती है और पौधा देखने में, इसकी जो पत्तियां होती हैं देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो प्रोपगेशन के लिए नॉर्मली आपको इस तरीके की डंडी तोड़ लेनी है या कट कर लेनी है। इसके बाद इसको 3 से 4 इंच की जो है किसी भी गमले पे आप लगा देंगे तो आपका यह पौधा बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाला है। दोस्तों अगर आप देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इसका प्रोपगेशन करना है, या जैसे इस तरीके का नीचे कोई रूट्स निकल आती है तो इस वाले पार्ट को भी हम काट करके गमले पे लगा सकते हैं। इसके अलावा 3 से 4 इंच की यहां से हम कट कर लेंगे। इसके बाद इसको किसी भी गमले पे हम इस तरीके से लगा देंगे, यहां से आप कट करके किसी भी गमले पे लगा सकते हो, आसानी से ये डेवलप हो जाएगा। अब इसे मान लीजिए आपने यहां से कट कर लिया, गड़बड़ हो गया, तो इसको यहां से कट करके आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, किसी तरीके की एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसको प्रोपोगेट करेंगे, किस तरीके से इसको लगाने वाले हैं। दोस्तों हमने ये अजवाइन प्लांट का जो पौधा है ये हमने ले रखा है, हमने इसको इस जगह से तोड़ा था तो यहाँ से डैमेज हो गया था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी जगह से हम इसको ऐसे करके कट कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके नीचे की पत्तियों को हमको हटा देना है, क्योंकि नीचे वाला हिस्से को हम मिट्टी पर डिप करेंगे तो इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं उसको हमें हटा देना है। तो ये वाली पत्तियां भी हम यहाँ से हटा देते हैं। इतना प्लांट हमने यहाँ पर ये ले लिया है, ये दूसरा वाला भी है, इसकी भी जो है नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम तिरछा करके ऐसे करके कट लेंगे, यहाँ से हमने कट कर लिया। इसके बाद हम इसके नीचे की पत्तियों को हटा देते हैं इस तरीके से, ये हम नीचे की पत्तियाँ हटा देंगे। अब इसके बाद हमें कोई भी गार्डन सॉइल लेनी है और उस पर इसको लगा देना है। तो चलिए दिखाते हैं, ये हमारा प्लांटर है, अब इसमें हम फटाफट ये जो गार्डन सॉइल है इसको फिल कर लेते हैं। ये हमने पूरी मिट्टी भर ली है, मिट्टी भर करके हमने पॉट तैयार कर लिया है। फटाफट हम ये दोनों की दोनों टहनियाँ इसी पे ही लगाना चाहते हैं तो हम इस पे ही दोनों इनको दबा देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बना करके हम इसको दबा देंगे और इसी तरीके से हम दूसरी वाली भी जो है जगह बना के दबा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम इस मिट्टी के स्पेस को भर देंगे आराम से। इसमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही जड़ें निकल आती हैं और इसको पानी डाल करके हम इसको किसी भी स्थान पे रख देते हैं। दोस्तों हम इस पर पानी डाल देते हैं जितनी इसकी ज़रूरत के अनुसार। इसमें पानी अगर आप हफ्ते भर नहीं भी डालोगे सूख भी जाएगा, तो पौधा नहीं सूखता है, बहुत ही बेहतरीन पौधा है। दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।